हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये सब क्वेश्चंस एकदम एक ऐसा तरीका द्वारा बताएंगे दोस्तों कि सबसे अलग होगा। देखिए, बता दिए हैं, सबसे पहले ही लिख दिए हम लोग कि सबसे अलग मेथड से समझे इस क्वेश्चंस को। एक ऐसा तरीका बताएंगे दोस्तों कि कभी भी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को शायद नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो कॉस थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात करें। अब हम लोग ट्रिक क्या समझेंगे कि ट्रिपलेट हम लोग समझेंगे कि ट्रिपलेट होता क्या है। अब हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग का ये था कि टेन थीटा बराबर 12/5 तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान। देखिए ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, एक ट्रिपलेट होता है, देखिए 3, 4, 5। पहले सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों, उसके बाद ये चुटकी का सवाल है, तुरंत आप लोग बना लीजिएगा। पहले धैर्यपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिएगा, पेशेंस रखिएगा, समझिएगा। पहले ये देखिए ट्रिपलेट है, ठीक है, ट्रिपलेट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक होता है हम लोग का 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, सेकंड नंबर में होता है 5, 12, 13, तीन नंबर होता है हम लोग का 7, 7, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 7, 24, 25, ठीक है, और एक होता है हम लोग का 8, 15, 17, 8, 15, 17, ठीक है। देखिए, ये आप लोग चार ट्रिपलेट याद रखिए, इससे हर एक क्वेश्चंस, अगर ऐसा क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो आप लोग एकदम ट्रिकली बना सकते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, आइए हम लोग इसको समझते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग करेंगे कि बाई देवे, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 5, 12 है, तो 5, 12 वाला उठाएंगे, 5, 12, 13 वाला ये वाला उठाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें होगा क्या कि जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर हम लोग का दिया हुआ है 12/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए पहला वाला हम लोग का क्या होता है, लंब होता है ना, दूसरा वाला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, तो लंब बटा आधार हम लोग लिख दिए, लंब बटा आधार। अब मान लीजिए कि हम लोग का लंब 12 हो गया, आधार 5 हो गया, तो 5, 12 तो ही हो ही गया, 5, 12 तो हो ही गया, तो कर्ण हम लोग का कितना मान लेंगे, कर्ण हम लोग 13 मान लेंगे, कर्ण जो है हम लोग क्या मान लेंगे, 13, कर्ण डायरेक्ट मान लेंगे हम लोग 13। अब हम लोग को निकालना है कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो देखिए हम लोग का आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार का मान हम लोग का 5 दिया हुआ है, तो 5, और कर्ण का मान कितना आया है, 13, तो 13 लिख दिए। देखिए चुटकियों में आंसर आ गया, केवल हम लोग ट्रिपलेट याद करें तो 5, 12, 13, 3, 4, 5, 7, 24, 25 और 8, 15, 17, बस ट्रिपलेट ये याद कर लीजिएगा। तब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग को साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालना है मान लीजिए, तो हम लोग को क्या दिक्कत है साइन थीटा निकालने में भी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो देखिए लंब हम लोग का कितना दिया हुआ है, लंब हम लोग का दिया हुआ है 12, तो लिख देंगे 12, और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं 13, तो 13 आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग इसको बना के भी देखिएगा, उतना ही आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का था क्या, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का था, सेकेंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस थीटा बराबर 8/17 तो टेन थीटा बराबर वाट, सॉरी ये हम लोग कॉस थीटा बराबर, ये तीन नंबर हम लोग क्वेश्चन ले लिए हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, तीन नंबर क्वेश्चन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जो मन करे वैसे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक थीटा बराबर वाट दिया है, ठीक है, ये तीन नंबर क्वेश्चन से हम लोग का, तो इसको हम लोग को निकालना है, तो देखिए इसको भी हम लोग सेम टू उसी तरह हम लोग निकालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को कौन लंब निकालने का, आधार निकालने का, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग ट्रिपलेट याद रखेंगे तो सिंपली सब चीज़ बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब देखिए 8, 17, तो 8, 17 में रिलेशन देखेंगे कि किस में बनता है, तो देखिए 8, 17 तो 8, 15, 17 होता है, 8, 15, 17 होता है, तो अब देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने देंगे, लंब हम लोग का दिया हुआ है, लंब हम लोग का दिया हुआ है, ये सॉरी आधार दिया हुआ है, आधार बटा कर्ण होता है ना, आधार बटा क्या होता है, कर्ण, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग आधार, यानी आधार हम लोग का बेस होता है, और ये कर्ण कितना होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी ये हम लोग का 8 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा हम लोग का 17, यानी इसको हम लोग लिख देते हैं सिंपली आधार लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण लिख सकते हैं। अब देखिए कर्ण तो हम लोग का हो गया 8, आधार तो हो गया 8 और कर्ण हो गया 17, तो हम लोग का लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हम लोग का हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो 15 हो जाएगा हम लोग का लंब, निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, लंब कितना हो जाएगा 15। अब हम लोग को निकालना है टेन थीटा का मान, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब हम लोग का कितना दिया हुआ है, देखिए लंब 15 दिया हुआ है तो 15, और आधार कितना दिया हुआ है 8, तो 8 लिख देंगे, हो गया टेन थीटा का मान। सेक थीटा का मान हम लोग को निकालना होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण देखिए कर्ण हम लोग का क्या होता है, कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण हम लोग का आया है 17, तो 17 लिख देंगे, और आधार कितना आया है, तो आधार हम लोग का 8 आया है, तो 8 लिख देंगे। तो इस तरह दोस्तों आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो आप लोग एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए दो नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, दो नंबर का क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कोस थीटा बराबर 4/8 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, देखिए इसको भी ट्रिपलेट के द्वारा बनाएंगे हम लोग, है ना। देखिए इसमें हम लोग का दिया क्या है, तीन नंबर क्वेश्चन में, है ना, कि कोस थीटा बराबर हम लोग का दिया हुआ है 8/17, है ना, 8/17 दिया हुआ है। अब देखिए 8/17 दिया हुआ है कोस थीटा का मान, है ना, तो हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, तो टेन थीटा और साइन थीटा का मान, टेन थीटा बराबर वाट दिया है ना, और साइन थीटा बराबर वाट दिया है, लिख देते हैं यहीं पे साइन थीटा बराबर वाट। तो देखिए फिर इसमें हम लोग चलेंगे, तो देखिए ये 4/5 दिया हुआ है ना, 4/5 साइन थीटा और टेन थीटा। तो देखिए एक और ट्रिपलेट होता है, देखिए 3, 4, 5 दिया है, तो हम लोग का ट्रिपलेट याद रखेंगे, सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है हम लोग का, ठीक है। तो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 होता है, तो फिर हम लोग को मान लीजिए कि इसमें कोस थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हम लोग का दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, यानी आधार हम लोग का 4 दिया हुआ है और कर्ण कितना दिया हुआ है 5, तो हम लोग डायरेक्ट लंबे कितना हो सकता है, तो लंब का जब हो सकता है तो लंब हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे। अब जब टेन थीटा पूछ रहा है हम लोग को, ठीक है, टेन थीटा जब हम लोग को पूछ रहा है तो क्या करेंगे, टेन थीटा जब पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा लंब हम लोग का इतने इतना दिया हुआ है, लंब बट्टा क्या होता है आधार, तो आधार कितना दिया हुआ है 4, यानी लंब बट्टा आधार 3/4। कोस थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है हम लोग का, तो लंब 3 दिया हुआ है और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक 4 नंबर क्वेश्चन है इसी पर है, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसी पर है, आप लोग क्या करिएगा इसको बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हम भी देखेंगे कि हम आप लोग क्या सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं ट्रिपलेट के द्वारा। ये ट्रिपलेट जो दिया गया है, ये ट्रिपलेट आप लोग याद करिएगा, ये क्या होगा कि मतलब मिनटों का अगर क्वेश्चन होगा उस सेकेंडों में आप लोग का बन जाएगा, केवल ये याद रहेगा। तो और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।